बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारी तीसरी पोइम है जिसका टाइटल है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, जिसको ए ई हॉसमैन ने लिखा है। और तीन स्टैंजा इसके अंदर मैंने जो है वो इसके अंदर डिवाइड किए हुए हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टैंजा आपको दोनों लाइनों का आ सकता है, चार लाइनों का आ सकता है, पूरा एक स्टैंजा कंप्लीट भी किस तरीके से आपको आ सकता है, चाहे उसमें छः लाइनें क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादातर उसका जो चांसेस होते हैं वो दो, तीन और चार के ऊपर होता है। बाज़ अगर तीन में मुकम्मल हो रहा है या चार में मुकम्मल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको देगा। अच्छा, यहाँ पे देखो कि रेफरेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है, रेफरेंस में आपको क्या बताना होता है, दो चीज़ें बतानी होती हैं कि आपको पोएम का नाम बताना है और पोएट का नाम बताना है, और कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बताना होता है कि इसका थीम क्या है। इस पूरी पोएम को आपने बिल्कुल ब्रीफ अंदाज में एक समराइज फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो रेफरेंस है यानी जो भी आपको स्टैंजा ये आता है कौन सा भी आता है, तो उसके लिए पहले तो आपको जज हो जाना चाहिए कि अच्छा ये उस चीज़ के बारे में बात हो रही है तो कहाँ से आया। तो जब आपको उसको जज कर लोगे स्टैंजा को पढ़ने के बाद, तो फिर आप उसका सबसे पहले रेफरेंस दोगे, फिर कॉन्टेक्स्ट दोगे और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे। स्टैंजा लिखना पेपर में ज़रूरी नहीं है, सिंपल आप उसका नंबर दे दें कि इस फला क्वेश्चन उसका मैं ये स्टैंजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको स्टार्ट कर देना। लेकिन रेफरेंस में आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ रिटन बाय ए ई हॉसमैन। ये बता दिया कॉन्टेक्स्ट। इन दिस पोएम द पोएट ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स द फुल ब्लूम ऑफ द चेरी ट्री, यानी इस नज़म के अंदर जो है वो शायर क्या बताता है कि चेरी ट्री जो है वो अपने फुल ब्लूम के ऊपर है, ब्लूम के ऊपर है यानी पूरा खिला हुआ है, यानी फूल ही फूल है उसके ऊपर। ही प्रेजेस द चेरी ट्री, वो चेरी ट्री की तारीफ करता है, विच इज़ कवर्ड विद द वाइट फ्लावर्स लुकिंग लाइक वेयरिंग अ ड्रेस फॉर द ईस्टर टाइड, जिसने अब जो उसके ऊपर सफ़ेद किस्म के फूल हैं और वो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ईस्टर टाइड। अब यानी कुदरत की असल में बात की जा रही है, कुदरत जो होती है ना वो अपनी निशानियाँ दिखाती है, और ये ईस्टर जो है ये भी उसी के यानी एक इवेंट है उस चीज़ का। तो यानी जब आप कुदरत की चीज़ों की तरफ जाओगे तो वो आपको वो इवेंट याद दिलाएगी जो इवेंट पहले हो चुके होते हैं। तो ये भी उसने एक यहाँ पे हिंट दिया। द पोइट इज़ नाउ 20, जो शायर है अब वो 20 साल का है। ही होप्स टू लिव 50 ईयर्स मोर, अब उसको 50 साल मजीद उसे यकीन है कि शायद वो अगर 70 साल की ज़िंदगी हो तो 20 का वो हो गया, पीछे 50 अभी रहते हैं। ही सेज दैट 50 ईयर्स आर टू शॉर्ट टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ एक्चुअल में तो वो एन्जॉय करना चाहता था चेरी को, तो चेरी मीन्स एक्चुअल एज अ सिम्बलाइज किया गया है नेचर के लिए, तो यानी ये नेचर को एन्जॉय करने के लिए 50 साल कम है। ही वॉन्ट्स टू गो टू द वुड लैंड वुड्स टू सी मैनी ट्रीज ऑफ द चेरी कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स, अब वो दोबारा अपनी जिंदगी के वो हालात है जो उसको जाना चाहता है, और वहाँ वो देखेगा कि अब वो जो फूल खिले हुए हैं तो उसको वो एंजॉय करना चाहता है। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज डीप लव फॉर द नेचर इन अ सिंपल बट कैप्टिवेटिंग मैनर, यानी उसने बड़े सादा अंदाज में अच्छे तरीके से नेचर की तारीफ की है, एक्सप्रेस किया है अपना उसके लिए प्यार, लेकिन कैप्टिवेटिंग मैनर के अंदर, यानी उसको असीर हो गया है। उसको कैप्टिवेट का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का कैदी हो जाना, जैसे मैंने पिछली भी एक वीडियो में आपको एक शेयर सुनाया था कि जॉन एलिया कहता है कि तेरी आंखें भी क्या मुसीबत है, मैं कोई बात कहने आया था, यानी मुझे तो बात ही भूल गई तुम्हारी आंखें देखकर। तो ये कैप्टिवेट हो चुका है, ये यहाँ असीर हो चुका है, यानी वो देखा तो बस देखते ही रह गए। तो ये हो जाता है यानी शायर असल में, जिस उर्दू के शायर हों या चाहे फारसी के हों या जो भी हों, इश्क असल में जो है ना ये इसका मेन फैक्टर होता है, और इश्क वही वाला जो दिमाग के ज़रिए से, वो ये नहीं है कि आज किसी से हो गया तो कल किसी से तो परसों किसी से, ऐसा नहीं है। ये ऐसा होता है कि जिसमें आपको लगाव होता है किसी शख्स के साथ कोई भी, या कुदरत की किसी चीज़ के साथ, तो फिर आप क्या करते हो कि आप उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए आप राज़ी हो जाते हो, तो बस फिर वो है कि वो एक जॉन अलिया का एक मिसरा है कि उसने कहा कि शायद कुछ ऐसा है कि आप उम्र गुजार दीजिए, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। यानी वो ये कहना चाहता है यहाँ पे कि उसने कहा था कि आप अपनी लाइफ को बस दे दीजिए इस एक यानी पर्टिकुलर जो भी काम है उसके पीछे, तो कहता है हमने इसको कर दिया। जॉन एलिया का आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, बड़ा अच्छे यानी शायरों का शायर असल में उनको कहा जाता है, लेकिन काफ़ी मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी, और उनकी जो शायरी अगर आप थोड़ी सी पढ़ें अगर आप उनकी बुक्स वगैरह की, बहुत कम लोग उसके, ज़्यादातर तो लोग उनको यानी एक नज़र से पहले देखते थे, यानी वो ये कि ये शुगल मेला है और ये, और इवन आप उनकी वीडियोज़ देखें तो उसके अंदर भी ज़्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं वो हंस रहे हैं उनकी शायर, और वो एक तो बल्कि वीडियो के अंदर लाइव उन्होंने कहा था कि क्या ये हंसने की बात है, वो आप वीडियोज़ होगी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये है कि वो लाइव अपने उस वीडियो में कहते हैं कि क्या ये हंसने की बात है, अच्छा ये हंसने की बात है। तो क्योंकि जो सामने बैठा हुआ है ना,
जो ये सुन रहा है उसका एक एंगल और है, वो किसी और नज़र से उसको चीज़ को देख रहा है, तो उसको उस नज़र से चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन जो सामने बंदा बैठा होता है उसको वो किसी जिस जगह वो है ना, जो चीज़ें वो देख रहा है दूसरे को पता भी नहीं है। और यही है कि यहाँ इसी नज़म को अगर हम देखें तो हमें लगेगा यार क्या ज़रूरत पड़ी थी इतना 70 साल गंवाने की एक चेरी के दरख्त के नीचे, और वो भी उसके फूल, चलो फल फूल होता चलो बंदा तोड़ के खा ही लेता है या उसको कोई टेस्ट ही लेता, फूलों में देखना था तुमने तो फूल, और वो भी वाइट, तो वाइट कोई और देख लो जाके, है ना, कपास का जो होता है वो भी तो वाइट ही होता है, तो जाके कपास का खेत देख लेते जाके, लेकिन नहीं उसको क्या करना है, चेरी को देखना है। असल कहने का मकसद ये है कि असल में कोई दरख्त की तो एक बात ही नहीं हो रही, असल तो बात हो रही है कुदरत की, यानी नेचर की, उसको एंजॉय करना चाहिए। ले जी आ जाइए, हम शुरू करते हैं स्टैंजा, और पहला स्टैंजा है कि लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम अलोंग विद बफ and stands above the woodland ride, wearing white for the Easter tide. अब ये इसका है कि जो दरख्तों में सबसे प्यारा है वो चेरी है, और ये अपने ट्यूनियों समेत पूरा भरा हुआ है ये उन यानी पत्तियों से, ब्लूम से, एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड, और ये कहाँ पर उगा हुआ है, ये उगा हुआ है जंगल में से जो रास्ता होता है उसके साइड पर, वेयरिंग द वाइट फॉर द ईस्टर टाइड, और ऐसे उसने जो फूल की पत्तियां सफ़ेद पूरा भरा हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे उसने ईस्टर टाइड को सेलिब्रेट करने के लिए कोई सफ़ेद लिबास जो है वो पहना हुआ है। एक्सप्लेनेशन सिंपल मैंने आपको जैसे बता दिए, इसी तरह आप एक्सप्लेनेशन इसको सिंपल अल्फाज में सादा में लिख देंगे और वो इसी तरह होगी, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, यानी इसमें उसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहा है, एक जुमला हो गया, द पोएट सेज दैट चेरी इज द लवलीस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, यानी सबसे प्यारा है सारे दरख्तों में, अगर सबसे कोई प्यारा है तो चेरी है, इट्स ब्रांचेज आर फुली लोडेड विद फ्लावर्स, इसके जो ब्रांचेज हैं, जो इसकी टीनियाँ हैं, जो इसकी आप कह लो कि ट्रीग्स हैं, वो भरी हुई हैं फूलों से, इट इज़ गोइंग नियर द पाथवे ऑफ द हॉर्स राइडर्स इन द जंगल, यानी जहाँ से घुड़सवार गुजरते हैं उसके बिल्कुल साइड पर ये उगा हुआ है, द चेरी इज लोडेड विद वाइट फ्लावर एंड इज लुकिंग लाइक वेयरिंग अ वाइट ड्रेस फॉर वाइट ड्रेस ऑफ ईस्टर इवेंट, जैसे ईस्टर को इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए सफेद लिबास जो है वो पहना हुआ है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन। अब आ जाइए हम स्टैंजा नंबर 2 की तरफ, बात करते हैं कि नाउ ऑफ माई 3 score years and 10, 3 score years and 10 का मतलब है कि 60 साल और 10 मतलब 70 साल, यानी नाउ ऑफ माई 3 score years and 10 मतलब 70 सालों में से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 वापस नहीं आएंगे, एंड टेक फ्रॉम द 70 springs अ स्कोर, एंड टेक फ्रॉम 70 springs अ स्कोर, कि अब उसके अंदर कहते हैं कि 70 में से 70 spring साल हैं, 70 जो spring हैं, स्प्रिंग से मुराद यहाँ पे मुराद क्या होगा, यानी जो मौसम बहार है, उन 70 मौसम बहार में से कहता है उसमें से स्कोर तो आप टेक कर लो ना, ले लो, निकाल दो, वापस कर दो 20, यानी उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पीछे बच गया 50, इट ओनली लीव्स मी 50 more, तो पीछे मेरे पास कितने बच जाते हैं, सिर्फ 50, तो इसमें ये सिर्फ उसने अपनी यानी उस चीज़ को बेचैनी का जिक्र किया है कि कुदरत इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसको खूबसूरत बनाया है कि उसको एंजॉय करने के लिए आपकी लाइफ थोड़ी पड़ जाएगी, हम तो जो तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो फिर तो उनके बारे में तो क्या ही बात है। एक्सप्लेनेशन है कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल यानी एक इंजील को कहा जाता है जो कि मुकद्दस किताब है, मैंस एवरेज एज यानी आदमी जो है उसकी जो एवरेज एज है ऑन दिस अर्थ इज 70 years, वो 70 साल है, एंड द पोएट हैज़ स्पेंड 20 years ऑफ हिज लाइफ, और उसने जो पोएट है उस वो तो स्पेंड कर चुका है 20 साल तो अपनी ज़िंदगी के, विच विल डेफिनेटली नॉट कम बैक फॉर हिम, वो उसके लिए वापस नहीं आने वाले, 20 साल जो यानी जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस आएगा, वापस नहीं आएंगे, नाउ द रिमेनिंग 50 years आर नॉट एनफ टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्रीज, अब जो पिछले 50 साल हैं अब वो उसकी ब्यूटी इंजॉय करने के लिए काफ़ी नहीं है, इनफैक्ट द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ह्यूमन लाइफ इज टू शॉर्ट टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर द गॉड हैज़ क्रिएटेड फॉर मैन, यानी जो है उसकी जो कुदरत है उसको वो बहुत कम है और इंसान के लिए जो उसने बनाया है, और ये जो खूबसूरती है ये कम है, जो यानी जो नेचर है उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और इंसान के पास टाइम उसको इन्जॉय करने का बहुत कम है। उसके बाद है जी नंबर 3 स्टैंजा तीसरा, और वो आप देख लीजिए, एंड सिंस टू लुक एट द थिंग्स इन ब्लूम 50 springs आर लिटल रूम अबाउट द वुड लैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो, अब वो कहता है कि अगर मैं इसको देखता हूँ
और मैं चीज़ों की तरफ देखूँ जो कि खिली हुई हैं, तो कहते हैं 50 साल जो हैं वो तो 50 स्प्रिंग जो हैं वो तो बहुत थोड़ी थोड़ा टाइम है। अबाउट द वुड लैंड आई विल गो, मैं जंगल में जाऊँगा एंड टू सी द चेरी हंग विद स्नो, और मैं देखूँगा कि वो जो भरा हुआ है उसी में अपना वक्त बिताऊँगा, यानी उसके साथ वो बिताना चाहता है वक्त को, यानी जवानी बुढ़ापा सारा वहाँ पे। लो जी, इन दीज लाइन्स द पोएट विशेज, ख्वाहिश कर रहा है फॉर मोर ईयर्स टू लिव टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, यानी वो जो चेरी ट्री है उसको इन्जॉय करने के लिए, जिंदगी के लिए ख्वाहिश कर रहा है कि मेरे पास और टाइम होता। ही से दैट द लाइफ ऑफ 50 ईयर्स इज टू शॉर्ट टू लुक एट द थिंग्स विच आर इन ब्लूम, यानी 50 साल बहुत थोड़े हैं कि उन चीज़ों को देखने के लिए जो खिली हुई हैं, यानी अपनी वो पूरी जोबन में है उसको देखने के लिए तो 50 साल बहुत कम है। ही सेज दैट द ही वुड गो टू द वुड्स एंड विल पास हिज टाइम इन एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, कि वो वहाँ जंगल में जाएगा और उसकी खूबसूरती को इन्जॉय करेगा। द चेरी ट्री वुड बी फुल लोडेड विद वाइट फ्लावर्स एंड विल गिव अ सीन ऑफ द ट्री कवर्ड विद स्नो, विद ये स्नो है जी, ठीक है, स्नो ये नाव नहीं है, कवर्ड विद स्नो, और वो यानी वो जो स्नो है स्नो से कैसे होगा, यानी पूरा वो बर्फ से ढका हुआ होगा या उसकी पत्तियां होंगी जो फूल होंगे, यानी वाइट लग रहा होगा, तो कहते उसको वो एंजॉय करेगा। इन फैक्ट द पोएट वांट्स टू से दैट द ह्यूमन लाइफ इज टू शॉर्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर द गॉड हैज क्रिएटेड फॉर मैन, ये हर एक के साथ आप ये ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले में भी ये था। तो कुछ लाइनें स्पेसिफिक होती हैं ट्रांसलेशन करते वक्त, एक्सप्लेनेशन करते वक्त, जो कि आप ऊपर नीचे दरमियान में कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हो, और कुछ होती हैं कि उसके ट्रांसलेशन आपने जो भी सेंटेंस लिखा होता है उसको आपने, लाइन जो लिखी होती है वर्स लिखी होती है उसको आपने करना होता है। ले जी, ये था और आज की वीडियो यही थी, और ट्रांसलेशन हुई मुकम्मल। अगर तो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी वीडियो तो आप इसको कर सकते हैं डिसलाइक, और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।